मुंबई महाराष्ट्र की फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईडी के छापे पर बोले अनिल परब, सभी लेन देन के बारे में दी गई है जानकारी। पुणे के कारोबार अविनाश भोसले को सीबीआई ने किया अरेस्ट, महाराष्ट्र के टॉप नेताओं के माने जाते हैं करीबी। सीएम उद्धव ठाकरे के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, अनिल परब के आवास समेत 7 जगहों पर छापे। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल के 15,000 से अधिक नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कश्मीर में पकड़े गए चीन नागरिक का महाराष्ट्र कनेक्शन, मुंबई में बनाया गया था आधार कार्ड, जासूस होने का शक। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक होगी मूसलाधार बरसात, हवामान विभाग ने जताया अंदाज। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ पाटिल का सुप्रिया सुले पर विवादित बयान, कहा घर पर जाकर खाना पकाइए। भागलपुर बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के भानकेड़ा में पकड़ा गया, नागपुर पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई एफआईआर, फोन पर मिल रही थी जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र के प्याज व्यापारियों ने नहीं दिया था सही दाम, खुद निर्यात करने के लिए एकजुट हुए किसान। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए बने रहे एंटी करप्शन न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।